अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे STA 301 और PS5 516 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लेसन नंबर 12 को। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और जिन जिन स्टूडेंट्स का सेम कोर्स है यानी कि वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर करें। चिप्सिव थ्योरम को हम देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी गई है चिप्सिव की, लेकिन हमने मेन एक ही चीज़ इसके अंदर याद रखनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट व्यू से मेरा नहीं ख्याल ये इतना पेचीदा टॉपिक जो आपके पेपर में आएगा। आपने जहन में रखना है कि एक्स बार माइनस एस और एक्स बार प्लस एस, चिप्सिव थ्योरम के मुताबिक एक्स माइनस एक्स बार माइनस एस कॉमा एक्स बार प्लस एस। एक्स बार यहाँ पे मीन है और एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये दो चीज़ें आपने सिर्फ इसके अंदर याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी डिटेल्स, जितनी भी डिटेल इसके अंदर सारी दी गई है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल थ्योरी बेस्ड है चिप्सिव थ्योरम ना। तो यहाँ से देखते हैं फाइव नंबर समरी से। फाइव नंबर समरी जिसके अंदर हमारे पास एक्स ज़ीरो, एक्स एम, क्यू वन, क्यू थ्री और मीडियन यानी क्यू टू भी कहते हैं जिसको, की वैल्यू शामिल है। पांच चीज़ें शामिल है इसके अंदर। एक्स ज़ीरो यहाँ से देखें, यहाँ से एक्स ज़ीरो लोएस्ट वैल्यू, क्यू वन क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल, क्यू थ्री थर्ड क्वार्टाइल और एक्स एम लोएस्ट वैल्यू, और दरमियान में क्यू थ्री और क्यू वन के बिल्कुल दरमियान में मीडियन या क्यू टू। मीडियन का आपको पता है कि वो लफ्ज़ जो के वैल्यू जो के अपने नेक्स्ट राइट और लेफ्ट साइड वाले वैल्यूज़ को हाफ में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सेंटर में हो। सिमेट्रिक कर्व क्या है कि अगर हम एक ही डाटा का मीडियन, मीन, मिड रेंज या मिड क्वार्टाइल रेंज निकालें और इन सब का आंसर सेम हो तो हमारे पास एक सिमेट्रिक कर्व आएगी। सिमेट्रिक कर्व यानी जिसको अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें दो में तो राइट और लेफ्ट साइड हमारी बराबर होगी। पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व क्या है, या पॉजिटिवली राइट स्क्यूड कर्व या पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, दोनों सेम चीज़ें हैं। ये देखें, ये सामने आपके राइट स्क्यूड कर्व बनी हुई है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, मीडियन, मीन और मिड रेंज ये सारी डिफरेंट होती हैं। और याद रखिएगा कि ये नंबर टू जो है ना, इन राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सामने जो अरेंजमेंट लिखी हुई है इसी को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। इसको ये एमसीक्यूज़ पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर टू वाला पॉइंट जो है ना, टू नंबर वाला पॉइंट, ये याद रखिएगा। एक दफ़ा रीड आउट कर लें आप लोग इसे, देखें पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व के अंदर ये तीनों डिफरेंट मिड रेंज, मिड क्वार्टाइल रेंज, ये जो है ना डिफरेंट पॉइंट्स पे बनती हैं। एग्जांपल देखते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और एनुअल कॉस्ट इनकी दी हुई है। यहाँ पे हमने इस डाटा को दूसरी पोजीशन में लिख लिया है, हमने इसको हॉरिजेंटली लिख लिया है डाटा को, लोएस्ट से हमने हाईएस्ट की तरफ लिखा है। लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 13 है, एक्स ज़ीरो आ गई, और हाईएस्ट वैल्यू 23.1 है, वो एक्स एम आ गई। इन दोनों के दरमियान में दो लफ्ज़ आते हैं जो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, 15.2 और 15.4। हमने मीडियन निकालना है तो हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा करके दो पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा मीडियन 15.3। अभी देखें आपको क्यू थ्री और क्यू वन का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यू वन फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इनके फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन जनरल शॉर्ट टाइम में अगर आप क्यू वन और क्यू थ्री की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि एक तरफ दरमियान में आ रहा है 15.3, 15.3 जो है 15.2 और 15.4 के दरमियान की वैल्यू है। अभी हमने क्यू थ्री मालूम करना है, क्यू वन मालूम करना है, तो हमने क्या करना है, 15.2 जो है इससे दूसरी तरफ देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 15.2 से लेके पहली तक पीछे को देखें 13 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, पाँच, पाँच के सेंटर में कौन सी वैल्यू है, 14.9, वो हमारा आ गया क्यू वन। अभी 14 15.4
अगला लफ्ज़ है उससे लेकर आखिर तक 23.1 तक देखें कितनी वैल्यूज़ 5, इनके सेंटर में जो लफ्ज़ है वो है 16.4, वो आ गया Q3 की वैल्यू। अगर आप वैसे फॉर्मूले लगा के फाइंड करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो व्यूअर ये था आपका STA-301 या PSY-516, दोनों का कोड सेम है, एक ही टॉपिक है हमारा, एक ही सब्जेक्ट है। इसके हम लेसन नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे, जल्दी मिलते हैं अपने लेसन 13 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।